हेलो दोस्तों, पेटीएम में ऑटोमेटिक पेमेंट को बंद कैसे करें। बहुत आसानी से आप ऑटोमेटिक पेमेंट को बंद कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से करते हैं। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि पेटीएम में ऑटोमेटिक पेमेंट को बंद कैसे करें। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं पेटीएम में। जैसे कि मैंने पेटीएम को ओपन कर रखा है, ओपन करने के बाद फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे नीचे का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग। ओके, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे नीचे देखिए, नीचे नीचे आ रहा है यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट, एक ये आ रहा है, इस पर भी हो जाएगा। एक ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक करना है। तो मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे आ रहा है सेटअप न्यू ऑटोमेटिक पेमेंट सब्सक्रिप्शन। तो जेवीएन इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने पे किया था तो ये मेरा ऑटोमेटिक पेमेंट पे टिक हो गया था, तो ये ऑटो पे हो रहा है हर महीने। तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट नीचे नीचे आ रहा है, और बैक लेंगे, बैक लेंगे। एक ऑप्शन ये भी है UPI ऑटोमेटिक पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड JVVNL इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे नीचे आ रहा है पॉज ऑटोमेटिक पेमेंट। आप पॉज भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट को, और कैंसिल भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट को। तो ठीक है, मैं ऑटोमेटिक पेमेंट को कैंसिल कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड नीचे आ रहा है कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये पासवर्ड पूछ रहे हैं मेरे को, तो मैं इसमें पासवर्ड दर्ज कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने पासवर्ड दर्ज किया है, इसमें UPI पिन एंटर किया है। एंटर करने के बाद फ्रेंड मैंने, अब देखिए फ्रेंड ऑटोमेटिक पेमेंट कैंसिल कर दिया मैंने आज के तारीख से, कैंसिल ऑन 21 अक्टूबर 6:12 PM ये कैंसिल हो चुका है। आगे से मेरा कोई भी पेमेंट नहीं कटेगा। आप भी ऐसे ऑटोमेटिक पेमेंट को कैंसिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड।